तो अगर 70-80 चलना है तो आप इस पे चलिए, उसके बाद एक और लाइन आती है, तो ये देखिए रेड कलर की ये गाड़ी आ रही है वैंगर, तो इस और देखिए ये अभी लोकल रोड है और यहाँ से जो सामने ब्रिज देख रही है ये यहाँ का हाईवे है 6 लाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? से आप सब बड़े होंगे, खैरियत होंगे। आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो गल्फ जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत या बहरीन, कहीं भी किसी भी गल्फ में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। और इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो ये है, लोगों का सवाल ये था कि जैसा कि आपको देखते हैं यहाँ सऊदी वगैरह में या कुवैत में या किसी गल्फ कंट्री में देखें, यहाँ की जो हाईवे होती हैं, बड़ी हाईवे जो होती हैं, उस पर एक एक साइड पे 6 लाइन 4 लाइन 8 लाइन एक एक साइड पे होती है, मतलब एक साइड जाने वाला है एक साइड आने वाला, तो एक साइड पे 6 लाइन 4 लाइन रोड होती है, तो अलग अलग लाइन पे कितनी स्पीड में चलना है और कितना स्लो चल सकते हैं, कि हर हाईवे पे लिखा होता है कि आप कितनी स्पीड में चला सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर सबसे फास्ट सर्विस जो फास्ट लाइन होती 120 होती है, 100 होता है और 80 होती है, 60 होती है, तो इसको तो सबको पता है कि स्पीड कितना चलना है, लेकिन ये कन्फ्यूजन रहती है कि किस लाइन पे हमको कैसे चलना है, कि फास्ट लाइन पे कितना चलना है, उसके नीचे वाले पे हमको किस तरह से चलाना है, तो ये सब बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, सवाल करते रहते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है, क्योंकि स्लो स्पीड कितना चलना है वो लिखा नहीं होता है, तो आज फ़िलहाल हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में, और सीधा रोड पे चल के दिखाएंगे और पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे किस तरह से आपको ड्राइव करना है, हाईवे पे कितनी स्पीड चलना है और किस लाइन पे किस हिसाब से चलना होता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके देना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी तरह के वीडियो में लाते रहता हूँ आप सबकी जानकारी के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं गाड़ी में, तो अभी चलते हैं गाड़ी के पास, और ये यहाँ का फिरदौस का पार्क है, ये गतानों में है, और यहीं पर हम आए हुए थे तो सोचे यहाँ वीडियो बना लेते हैं। तो ये अपनी गाड़ी है प्राडो, तो चलिए इस पर बैठते हैं और बाकी चलते हैं रोड पे, सीधा हाईवे पे मिलेंगे, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, सीधा रोड पे मिलते हैं। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको मिलते हैं हाईवे पे। हम रास्ते में आ गए हैं और देखिए ये अभी लोकल रोड है और यहाँ से जो सामने ब्रिज देख रही है ये यहाँ का हाईवे है 6 लाइन रोड। ठीक, तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं। तो बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूज़न है कि जो उस पर अलग अलग लाइन होती हैं तो किस लाइन पे कितनी स्पीड पे चलना चाहिए और किस पे नहीं चलना चाहिए और किस साइड से ओवरटेक करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, देखिए अभी इधर ऊपर जाने के लिए फ्लाईओवर दिया हुआ, ये एग्जिट होता है ब्रिज के ऊपर हाईवे पकड़ने, लोकल से हाईवे पकड़ने के लिए होता है ये। तो यहाँ पर चढ़ने टाइम और जब ब्रिज आ जाती है ना हाईवे, उस टाइम बहुत ज़रूरी ध्यान देना है एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ स्पीड अपनी कंट्रोल रखनी है, जब ये जगह पे आ जाओ, देखो कि वह लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पहले सामने वाले को जो उस तरफ से आ रहा है उसको जाने दो। देखिए यहाँ आने के बाद आप तुमको तुरंत लेफ्ट में नहीं जाना है, यहाँ इंडिकेटर देना है, इस तरफ शीशे में देखना है, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही उसके बाद आप लेफ्ट ले लें हल्का सा इशार। ठीक है, और इशार जाने के बाद देखिए ये जो लाइन सबसे पहली लाइन जो दिख रही है ये होती है सबसे स्लो वाली लाइन। इस पर क्या होता है कि ज़्यादातर ट्रक वगैरह चलते हैं और इस पर जिसको स्लो चलना है, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है वो चलते हैं, और जहाँ पे एग्जिट आने वाला होता है उससे पहले आप राइट में ले लें, इसके लिए ये लाइन होती है फोर व्हीलर, मतलब स्लो गाड़ी के लिए और ज़्यादातर ट्रक वगैरह के लिए। उसके बाद ये देखिए दूसरे नंबर की लाइन है, इस पर 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन रोड है, तो इस पर भी आप चल सकते हो। जैसे आपको 70-80 में चलना है, देखिए अब यहाँ हमारी स्पीड 80 के आसपास है, तो अगर 70-80 चलना है तो आप इस पे चलिए, उसके बाद एक और लाइन आती है, जैसे आपको सीधा बहुत लंबा जाना है, आपको राइट नहीं लेना है, तो इस पे भी आप 80-100 चल सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। जैसे ये देखिए हम सबसे सेकंड पे आ गए, ये सेकंड लाइन पे, तो इस पे आपको मिनिमम 100 तो चलना ही चलना है। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे चलोगे तो पीछे वाले को डिस्टर्ब होगा जो है, और बाकी अगर आपको 80 चलना है, 70-60 चलना है, तो उसी हिसाब से लाइन दी गई। और ये जो सबसे लेफ्ट में देखिए गाड़ी जा रही है, ये सिर्फ होती है ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, ये लाइन जो होती है सिर्फ ओवरटेक करने के लिए होती है, या फिर आपको तेज चलना है, जैसे 120 की स्पीड है तो आपको 120 चलना है, 120 चलना है, तभी आप इस पर चलिए,
और अगर इतना स्पीड आपको नहीं चलना है तो आप इस लाइन पे चलिए, इस पे भी आप अगर खाली है तो आप 120 110 मिनिमम 100 की स्पीड तो इसमें चलो, ठीक है। अब जैसे सामने टैक्सी जा रही है, हमको इसको ओवरटेक करना है तो हम लेफ्ट से ओवरटेक करके फिर वापस इसी पे आ जाएंगे, ठीक। तो ये इस पे कंटिन्यू नहीं चलाया जाता। देखिए इस पे कितनी तेज गाड़ी चल रही है, हमारी 100 पे है, ये सब गाड़ी देखिए कितनी तेज जा रही है। देखिए पीछे लैंड क्रूजर आ रही और हम 100 पे चल रहे हैं, तो देखिए कितनी तेज जा रही है गाड़ी है। तो उस पे चलना नहीं है, बाकी इस पे 100 पे चलना है। अब हमारा जैसे एग्जिट आ रहा है सामने, हमको राइट में लेना है, यू टर्न करना है या कहीं और जाना है, तो हम यहीं से सिग्नल दे देंगे और धीरे धीरे इस तरफ शीशे में देखकर राइट ले लेंगे। देखिए अब इस पे हमने राइट में ले लिया थोड़ा सा, अब बाकी और सीधा चलेंगे हम। तो इस तरह से होता है, देखिए जिसको जितनी स्लो चलना है, जितना तेज चलना है, वो हिसाब से अपने अपनी लाइन पे चलना है। और बाकी एक लोग और पूछ रहे थे कि हाईवे पे कितना मिनिमम कितना स्लो चल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के ये हाईवे जो होते हैं 4 लाइन 6 लाइन हाईवे, इस पे ज़्यादा स्लो अगर चलना है तो मिनिमम आप 40 की स्पीड चल सकते हैं, वो भी ये लाइन पे नहीं, बिल्कुल ये लाइन पे आपको 40 की स्पीड अगर चलना है, 30-40 की स्पीड, तो उस समय इस लाइन जो ये वाली है ना, इस लाइन पे आपको चलना है। देखिए हम राइट ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे से यू टर्न करना है हमको, तो ये सब भी ध्यान देना होता है। तो देखिए हमने वहाँ से यू टर्न ले लिया है, और यू टर्न लेने के बाद फिर से हम ये लोकल से हाईवे पकड़ने वाले हैं। तो हाईवे पकड़ने का फिर से एक बार तरीका बताते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट का इंडिकेटर दे देना है और इस साइड आपको देखते रहना है, ठीक है, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जैसे ये देखिए रेड कलर की ये गाड़ी आ रही है वैरंगल, तो इसको निकल जाने देना है, उसके बाद फिर हमको लेफ्ट लेना है। ये नहीं कि वो गाड़ी आ रही है आप तुरंत लेफ्ट ले रहे हो, इशार में जा रहे हो, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पीछे से अगर कोई आप पहले गाड़ी आ रही है तो उसको निकल जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आप लाइन चेंज कर लो। तो देखिए हम बीच वाली लाइन में आ गए। अब इस पर देखिए ट्रैफिक नहीं है, तो आप आराम से 80 भी चल सकते हो, 100 भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो दो लाइन है, ये लाइन ये, इस पर आप मिनिमम स्पीड 100 तो रखो, ठीक है। अगर रोड खाली है तो 100 रखो, इस पर चल रहे हो तो 80 चल सकते हो। अगर इस पर चलना है, यहाँ पे आपको चलना है इस लाइन पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 70 चल सकते हो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो दो तीन लाइन है, दो लाइन वहाँ जाके ना बिल्कुल स्लो गाड़ी चलाते हैं 70-80। खासकर जो इंडिया से लोग नए ड्राइवर आते हैं वो इस तरह की गलती बहुत करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो पीछे वाले हैं, अब आगे रोड खाली पड़ी हुई है और पीछे जो है पूरा ट्रैफिक लग जाता है। तो अगर आप नए हैं और इस तरह से आ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, ताकि तो आपकी वजह से किसी पीछे वाले को किसी को दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए अगर सबसे फास्ट लाइन वो वाइट कलर जो जा रही है वो है, उस पर नहीं चलाना है, वो ओवरटेक के लिए होती है। उसके बाद ये गाड़ी जो जा रही है, इस पे जो है आपको मिनिमम अगर रोड खाली है तो 100 की स्पीड रखना है। उसके बाद ये लाइन जो है इसके बाजू वाली, इस पे आपको आप 80 चला सकते हो, 90 चला सकते हो। और जहाँ पे हम चल रहे हैं देखो अभी हमारी 100 की स्पीड है क्योंकि रोड खाली है, तो इस पे आप 80-70 चल सकते हैं। और ये जो सबसे पहली लाइन स्लो वाली, इसको स्लो लाइन बोलते हैं, ये जो होती है ये स्पेशल जो होती है बड़ी गाड़ियों के लिए, ट्रक वगैरह हो गया, लॉरी हो गई या बस वगैरह हो गई, ये गाड़ी उनके लिए होती है, बस हो गई, ट्रक हो गए, ये रोड लाइन जो है खासकर उनके लिए होती है। तो इस पे मत चला करिए। हाँ, इस पे जैसे गाड़ी आपको प्रॉब्लम है, आपको बहुत स्लो चलना है, 30-40 की स्पीड चलना, तब आप इस पे जो है चल सकते हो, बाकी इस पे नहीं चलना चाहिए। ये तरीका होता है हाईवे पे चलने के लिए, जहाँ पे 4 लाइन 6 लाइन जो रोड होती है तो उस पे किस हिसाब से चलना होता है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, काफ़ी सवाल आते थे कि भाई सबसे स्लो कितना हम चल सकते हैं, कितनी स्लो स्पीड में चला सकते हैं, किस लाइन पे कितनी स्पीड में चलना है, और सबसे फास्ट लाइन कौन सी होती है। तो ये सब बातें थी, तो हमने कोशिश की है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। बाकी अगर कोई भी सवाल रह जाता है, किसी और वीडियो आपको चाहिए जानकारी के लिए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। और चलिए, बाकी मौसम भी आज का बहुत बढ़िया है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज मत करें, और ध्यान से गाड़ी चलाएं ताकि कोई भी हादसा ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम, जय हिंद।